तो फ्रेंड्स, आज है दुबई टूर का डे थ्री और शुरुआत अगेन हमारी हो रही है यहाँ पे ब्रेकफास्ट से। बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट था वहाँ पे। एवरीडे हम लोग खूब सारा खाना खा के रेडी हो जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें चलना होता था। 300+ डिशेस थी वहाँ पे जिसे हम खा भी नहीं पाते थे, बस टेस्ट करते थे और टेस्ट करते करते ही हमारा पेट भर जाता था। फ्रेंड्स, रेडी हो गई मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, एंड देन उसके बाद हम लोग का हाफ डे ऑफ था तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ का गोल्ड मार्केट जाया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा सुन रखे थे हम वहां पे। तो हम लोग निकल पड़े गोल्ड मार्केट, और मतलब जो कारीगरी थी, जो आप डिजाइन वहां देखोगे ना, वो बिल्कुल अलग होगा हमारे इंडियन डिजाइन से। बहुत तरह तरह की ज्वेलरी थी वहां पे, पूरी इंटायर आप कह सकते हो कि क्लोथ्स बनी हुई थी गोल्ड से, एंड वो देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। और मैं तो बस देख ही जा रही थी हम सारे लोग। एंड देन फिर वापस हम लोग आए होटल दोपहर में, और आने के बाद हमने रेस्ट किया और फिर हम लोग निकल गए डेजर्ट सफारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज है डे थ्री और हम लोग आए हैं यहाँ पे डेजर्ट सफारी के लिए। और सबसे पहले हम लोग गए और जाके हम लोगों ने डेजर्ट राइड किया, और यहाँ मेरे हस्बैंड राइड करवा रहे हैं मुझे। एंड देन फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यार मुझे भी खुद से राइड करनी है, तो मैंने भी ट्राई किया। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बट जो रेत होते हैं ना वो काफ़ी उबड़ खबड़ होते हैं, तो चलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, जस्ट उसे पुश करने में। अदरवाइज काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने करी डेजर्ट सफारी, और ये सफारी वाला एक्सपीरियंस जो है ना, बिल्कुल आपको रोलर कोस्टर राइड की याद दिला देगा। सफारी करने में कमाल का मजा आया। फिर हमारे ड्राइवर ने हमें एक जगह एक पॉइंट पे उतारा और वहां पे हमने कुछ पिक क्लिक कराई। एंड देन फिर हम लोगों का था रात में डिनर। डिनर के लिए हम लोग गए वहां पे, और वहां पे बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत मजा आया। मैंने वहाँ कैमल राइड भी करी थी बट मेरे पास क्लिप नहीं है तो मैंने अटैच नहीं करी, बट हम लोगों ने कैमल राइड भी की थी। और अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर जहाँ पे डिनर है, बहुत बड़ा स्पेस था वहाँ पे। और चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, स्टार्टिंग में ही मॉकटेल कॉकटेल जो भी जूसेस हैं वो सारा कुछ था वहाँ पे। एंड देन आप अंदर जाओ, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे, बहुत आराम से आप बैठ सकते हो। स्पेसियस काफ़ी था पूरा स्पेस। एक तरफ मेहंदी आर्टिस्ट भी थे जहाँ पे आप जाके मेहंदी लगवा सकते हो, तो छोटे छोटे से सेक्शंस बने हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन फिर वहाँ पे अगेन शोज चल रहे थे, आप देखो यहाँ पे शो हो रहा है। फिर हम लोग गए डिनर करने के लिए। डिनर में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी के फूड थे, नॉन वेज वेज सारा कुछ था, और यहाँ पे जो खाना था ना वो बहुत अमेजिंग था। और सबसे अमेजिंग लगा मुझे यहाँ का खिचड़ी। सीरियसली फ्रेंड, दुबई आके मैं खिचड़ी खाई लेकिन वो बहुत टेस्टी मुझे लगा। और ये जो आप यहाँ पे कॉर्नर देख रहे हो ना, एक एक व्हील के अंदर 6 तरह के डिशेस थे, और यहाँ पे सारे लोग अपने प्लेट को लेकर आ रहे थे एंड एज पर देयर टेस्ट वो ले रहे थे। तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर भी हमारा। और जैसा कि मैंने वो कहा कि वेज और नॉन वेज दोनों के लिए भरमार थी डिशेज की।
और बस पेट पूजा करते करते फिर हम लोग गए अपने सीट पे। फूड प्लस सोज इस तरह का जो कॉम्बिनेशन था ना, आपको टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। आप बस वहाँ के सोज एंजॉय करते रहो, फूड एंजॉय करते रहो और आपका टाइम बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हुआ हमारा डे 3। अब डे 4 को मिलते हैं। बाय बाय।